अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेक ओवर एस्थेटिक्स विद सबा। वेलकम बैक टू माय चैनल और उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो है दराज शॉपिंग हॉल से रिलेटेड। जी बिल्कुल, दराज काफी अच्छी अमेजिंग जो है वो डील्स लाता रहता है, सेल अगेन ऑन है। और मैंने सोचा कि मैं भी अपनी कुछ शॉपिंग आपसे शेयर करूँ, डिटेल्स जो हम आपसे शेयर की जाए प्राइस के साथ, लिंक्स के साथ। मुझसे पॉसिबल हो सका तो मैं इन तमाम प्रोडक्ट्स की लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दराज शॉपिंग हॉल से रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अपने उन प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये शेयर किया हुआ है कि दराज से ऑर्डर आपने किस तरह से करना है और किस तरह से स्कैम से बच सकते हैं, सही तरीका क्या है ऑर्डर करने का, ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो प्लेलिस्ट जो है वो दराज हॉल वाली, वो जरूर चेक कर लीजिएगा। आज की वीडियो में भी बहुत अमेजिंग चीजें आपके साथ शेयर करने वाले हूँ, खास तौर पर ट्रेंडी ज्वेलरी कलेक्शन आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी और डिफरेंट चीजें भी है। अपने वीडियो जो है वो इसके बिल्कुल नहीं करनी है, एंड तक देखनी है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं तो प्लीज थोड़ी देर वीडियो को रोक कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हर चीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए जी, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। जनाब तो करते हैं वीडियो का स्टार। और ये तमाम पार्सल्स जो आप देख रहे हैं, ये है दराज से ऑर्डर किए हुए। और इन तमाम पार्सल्स की आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अनबॉक्सिंग, और वन बाय वन सारी चीजें मैंने आपको आज दिखानी है। चलें तो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पार्सल मैं आपको दिखाती हूँ कि इस पार्सल के अंदर क्या है। ये वाला पार्सल है दी मोस्ट वायरल चीज, यानी फेरी लाइट। जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन सबके पास ये यकीनन देखी होगी, काफी अच्छी लगती है कमरे में डेकोर हुई भी। और ये तकरीबन 20 फीट लॉन्ग है। अच्छा, ये मेंशन था कि 20 फीट लॉन्ग है। अब आई डोंट नो कि वाकई 20 फीट लॉन्ग है या नहीं, इसे मैंने मेजर नहीं किया है। और इसको मैं आपको ऑन करके भी दिखा देती हूँ कि इतनी खूबसूरत लगती है ना जब ये ऑन हो जाती है, और जब ये जलती है ना फेरी लाइट, तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक लुक अलग आती है इसको ऑन करने के बाद, और बहुत सस्ती मिल जाती है। इसकी जो दराज पे प्राइस है ये है 149 रुपीस। ऑब्वियसली इसके ऊपर आप 150-200 रुपए जो है वो डिलीवरी चार्जेस के ऐड जरूर किया करें। तो ये 149 की इसकी प्राइस थी, प्लस इसके ऊपर 150 या 200 की डिलीवरी चार्जेस भी थी। बहुत अच्छी मुझे रिसीव हुई थी फेरी लाइट। अच्छा, अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्सल की तरफ। और इसकी शेप से ही अंदाजा हो रहा है कि ये कोई बॉक्स टाइप चीज है, और मुझे मालूम है कि इसके अंदर क्या है। ये है एक ऑर्गेनाइजर और ये है मेकअप ऑर्गेनाइजर। जल्दी जल्दी से इसको खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही सस्ता और अफोर्डेबल अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं मेकअप ऑर्गेनाइजर के लिए, तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट ऑप्शन और सबसे सस्ता दराज पर इस वक्त ही अवेलेबल है। क्योंकि मैं हमेशा अफोर्डेबल ऑप्शंस आपके लिए लेकर आती हूँ अपने वीडियोज में, इससे बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर दराज पर मौजूद है। लेकिन क्योंकि एक अफोर्डेबल ऑप्शन मुझे ऐड करना था, इसीलिए एक ये ऑप्शन जो है मुझे समझ में आया। देखें आप, ये इतना सारा जो मेकअप है ना यहाँ पर, सब इसके अंदर बहुत आराम से ऑर्गेनाइज हो सकता है। इसके अंदर काफी चीजें जो है इजीली अरेंज हो जाती हैं। तो मैं इसमें आपको जल्दी जल्दी सारी चीजें रखकर दिखाती हूँ, चाहे आपके फाउंडेशन हो, कंसीलर्स हो, आपके लिपस्टिक्स हो, नेल कलर्स हो, इवन स्किन केयर का सामान भी इसमें इजीली अरेंज हो जाता है। इसमें ट्रांसपेरेंट ऑप्शन भी आता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट ऑप्शन थोड़ा सा महंगा था, इसीलिए मैंने ये ब्लैक वाला ऑप्शन चूज किया। और ये देखिए, इतना सारा मेकअप जो है वो इस ऑर्गेनाइजर के अंदर जो है वो इजीली फिट हो गया है, एडजस्ट हो गया है। ज्यादा बिखरा हुआ भी सामान नहीं लगता अगर इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स जो है वो अपने ड्रेसिंग टेबल पर रखते हैं, तो बहुत सिमटी हुई चीजें लगती हैं और ऑर्गेनाइज लगती हैं। तो ये ऑप्शन एक बेस्ट था। अच्छा, ये जो है वो मुझे दराज से मिला था तकरीबन 193 रुपीस का, 193 प्लस डिलीवरी चार्जेस। नेक्स्ट अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ थर्ड पार्सल, और इसको भी ओपन करके आपको दिखाती हूँ। अच्छा, इसके अंदर है पॉन्ड्स सुपर लाइट मॉइस्चराइजर, और इसका मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था इस पार्सल का, पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर का, क्योंकि मुझे इसको यूज भी करना था और इसका रिव्यू भी ऐड करना था अपने चैनल पर। ये पार्सल मुझे जैसे ही रिसीव हुआ, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग रिकॉर्ड करके रख ली थी, इसको यूज करना शुरू कर दिया था। बस ये वीडियो लेट हो गई, लेकिन इसका जो रिव्यू है वो मैंने पहले से अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो अगर आपने पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर, पॉन्ड्स सुपर लाइट मॉइस्चराइजर, दोनों मॉइस्चराइजर्स का रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मौजूद है, तो जरूर देखिएगा। इसको मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखिएगा। बल्कि इनफैक्ट मैं दोनों का कंपैरिजन भी उस वीडियो के अंदर शेयर किया हुआ है कि पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर और पॉन्ड्स
सुपर लाइट मॉइस्चराइजर में डिफरेंस क्या है और कौन से स्किन टाइप के लोगों के लिए ये परफेक्ट है। वैसे ऑयली स्किन वालों के लिए जो है ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर जो है वो हमेशा सूटेबल होते हैं, तो हमेशा आप प्रेफर जो है वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर को ही किया करें। इसका जो कैप है ये हटाते ही एक बहुत सूदिंग सी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत बहुत अच्छी लगी थी मुझे इसकी फ्रेग्रेंस। बाकी काम कैसा करता है वो आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में देखने को मिलेगा, डिटेल्ड रिव्यू। अच्छा, नेक्स्ट पार्सल की मैं बात कर लेती हूँ। ये दराज का नहीं है, ये नाहिद का पार्सल है। एक्चुअली दराज पर मैं ढूंढ रही थी लेकिन मुझे ये मिला नहीं था और इसी वजह से फिर मैंने ऑर्डर कर लिया था नाहिद से। ये है डव की एंटी परस्परेंट स्टिक। ऑब्वियसली रोलॉन्स भी अवेलेबल होते हैं लेकिन ये है स्टिक फॉर्म में एंटी परस्परेंट, समर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। मेरी सेकंड परचेज है एंड दिस इज द बेस्ट, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। एक दफा आप खरीद लेते हैं तो ये काफी टाइम चलती है, खत्म नहीं होती है और फ्रेग्रेंस फ्री है, अल्कोहल फ्री है। समर्स में ऑब्वियसली स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है और इसी वजह से जो है वो बॉडी ओडोर के इश्यूज भी हो जाते हैं, इसीलिए मेरी तरफ से ये 10/10 प्रोडक्ट है। और इसके बारे में मैं अपनी बॉडी केयर रूटीन वाली वीडियो में भी बात कर चुकी हूँ और ग्रूमिंग टिप्स से रिलेटेड वाली वीडियोस में भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तकरीबन मिली थी मुझे 800 रुपीज की। अच्छा, नेक्स्ट अब पार्सल की मैं बात कर लेती हूँ। इस पार्सल का भी मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार था और ये वाला जो पार्सल है ये एक डेस्क है, वॉल माउंटेड डेस्क, जो कि मैंने दराज से ऑर्डर की थी। इसको भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखा देती हूँ। और सच में ये वाली जो मेरी परचेज थी ना, आई एम रियली हैप्पी विद दिस परचेज, क्योंकि इस तरह की जो फर्नीचर रिलेटेड चीजें होती है ना, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है दराज से। काफी लोग होंगे जिनको डर लगता होगा, छोटी मोटी चीजें तो मंगवा लेते हैं लेकिन कोई बड़ी चीज जो है वो ऑर्डर करते हुए थोड़ी सी झिझक होती है, डर होता है कि पता नहीं पिक्चर में ऐसा दिखाया है, रियल में ऐसा बाकी वो चीज रिसीव होगी या नहीं होगी। बट आई मस्ट से कि दिस इज द सेम डेस्क जो कि मैंने देखी थी। अच्छा, इसके साथ जो है ये कीलें भी रिसीव हुई थी कि आप इसे जो है वो अच्छे से फिक्स कर सकते हैं वॉल पर। अच्छे इसको फिक्स करने के बाद का भी मैं आपको दिखा दूं कि ये कुछ इस तरह से दिखती है। अगर तो आपका रूम बहुत छोटा है और प्रॉपर बड़ी डेस्क रखने की जगह नहीं है तो ये फोल्डेबल ऑप्शन है, आप बहुत आसानी के साथ इसको जो है वॉल पे फिक्स कर सकते हैं और अपना लैपटॉप इसके ऊपर रख कर आप आसानी से इस पर काम कर सकते हैं। स्पेस सेविंग ऑप्शन जो है फर्नीचर में आजकल बहुत ट्रेंड में है और जब आपने काम करना हो अपने लैपटॉप रखे इसके ऊपर काम कर लें, साथ में चेयर रखें और जब आपका काम खत्म हो जाए तो आप इसको फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद आपकी जो स्पेस है वो ऑक्यूपाइड नहीं होती, ऑब्वियसली वो स्पेस फ्री हो जाती है। तो ये ऑप्शन जो है बेस्ट ऑप्शन है अगर आप इस तरह का कोई स्पेस सेविंग डेस्क ढूंढ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट वन। अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हैं, मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा आसानी हो गई है। मैं अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करना, वीडियोज अपलोड करना, मैं इसी के ऊपर अब काम करती हूँ और मेरे लिए बहुत आसान हो गया है। अच्छा, मैं इसकी प्राइस आपको बता दूं। अच्छा, ये जो है मैंने दराज से ऑर्डर की थी तकरीबन 1500 रुपए की प्लस डिलीवरी चार्जेस, तो आई गेस ये कोई टोटल मुझे 1700 की या 1800 रुपीस की पड़ी थी। मेरी तरफ से बिल्कुल 10/10 प्रोडक्ट है। अच्छा, अब मैं बात करूंगी जनाब ज्वेलरी की। बहुत ट्रेंडी ज्वेलरी इस वक्त जो है वो दराज पर अवेलेबल है और खासतौर पर इयररिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत अमेजिंग कलेक्शन है। तो अब मैं पार्सल जो दिखाने वाली हूँ इसके अंदर है इयररिंग्स का सेट और ये देखिए आप कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है इसके अंदर। तकरीबन कोई 5 इयररिंग्स का ये सेट है, फैशन ज्वेलरी और बहुत अमेजिंग है। जिस तरह की पिक्चर में दिखाई थी उसी तरह की मुझे रिसीव हुई थी और मैंने इसे इस्तेमाल भी किया, मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी थी ये ज्वेलरी और जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। जी जनाब, तो अब बात कर लेती हूँ नेक्स्ट पार्सल की और इस पार्सल में भी है इयररिंग्स का सेट और कौन सी वाली इयररिंग है मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, गोल्डन और ब्लैक कंट्रास्ट में ये इयररिंग्स का सेट है जो कि बहुत ही एलिगेंट लगता है किसी ब्लैक ड्रेस के साथ, तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी ये इयररिंग और बहुत सस्ती है, कोई ज्यादा महंगी नहीं है। इसकी प्राइस आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगी। बहुत ही अच्छी सस्ते में आपको ट्रेंडी ज्वेलरी जो है वो आजकल जो बहुत फैशन में है वो मिल रही है दराज पर। अब इसी तरह से मैं नेक्स्ट पार्सल आपको दिखाती हूँ कि और कौन कौन सी ज्वेलरी मैंने ऑर्डर की थी। ये देखिए, ये एक और इयररिंग्स का सेट है, ये मैंने 3 ऑर्डर की थी जिसके साथ मुझे बहुत सारे स्टॉपर्स भी मिले थे गोल्डन कलर के, और वन बाय वन मैं इसको खोल कर भी दिखाती हूँ। ये वाला जो पैर है पता नहीं इसके अंदर ये फ्लैट लग रहा है, मुझे लगा शायद इसके अंदर स्टोन होना चाहिए शायद, या ये वैसे ऐसी तरह का डिजाइन है पता नहीं, क्योंकि पिक्चर में मुझे लगा था कि इसके अंदर स्टोन्स हैं शायद। अच्छा, नेक्स्ट जो है ये वाली हाफ मून शेप की
इयररिंग है, ये देखें कितने खूबसूरत कलर है और दिखने में ये गोल्ड के लग रहे हैं कि नहीं ये इमिटेशन। अच्छा नेक्स्ट जो है, एक मैंने ये वाली ऑर्डर की थी जो कि बहुत ट्रेंडी है, बहुत ट्रेंड में है आजकल इस तरह की बालियां, तो बहुत सस्ते हैं, बहुत ज्यादा कोई महंगे ऑप्शंस नहीं है। और खास तौर पे अगर आप किसी एक ही ज्वेलरी स्टोर से चीज ऑर्डर करते हैं तो आपको अलग अलग डिलीवरी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। एक ही स्टोर से ज्वेलरी जो है वो ऑर्डर कर लें ज्यादा तो आपके बहुत अलग अलग स्टोर से करेंगे तो अलग अलग डिलीवरी चार्जेस आपको देने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने एक ही स्टोर से ये तीन मंगवा लिए थे। अच्छा नेक्स्ट है, अब आ जाती है ब्रेसलेट की बारी। ये वाला जो ब्रेसलेट है ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे पिक्चर में, और इसे जो है वो आप एंकलेट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं और ब्रेसलेट के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। ये तकरीबन मुझे टोटल पड़ा था 353 रुपीज का। वैसे इस ब्रेसलेट की प्राइस थी 175 रुपीज, लेकिन डिलीवरी चार्जेस के साथ मुझे मिला था 353 रुपीज का। इसमें सिल्वर भी आई थिंक अवेलेबल है, बहुत एलिगेंट लुक है इस ब्रेसलेट की। अच्छा जनाब, अब देख लेते हैं नेक्स्ट पार्सल, और इस पार्सल को भी जल्दी से अनबॉक्स करके दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या है। और इस पार्सल के अंदर है एक हैंगिंग ऑर्गेनाइजर, अगेन एक स्पेस सेविंग ऑप्शन है अगर आपके पास जगह कम है और चीजें ज्यादा है स्टोर करने के लिए, तो इस तरह के हैंगिंग ऑर्गेनाइजर जो है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें 5 से 6 डिफरेंट पॉकेट्स हैं और इन पॉकेट्स के अंदर जो है वो आप काफी चीजें जो है वो सेव कर सकते हैं। इसके साथ जो है वो हैंडल्स भी मिले हैं, हुक्स भी मिले हैं, आप डोर के ऊपर जो है इन हैंडल्स को, इन हुक्स को लगाकर और इसके ऊपर आप हैंग कर सकते हैं। इन पॉकेट्स को सही से एडजस्ट करने के लिए भी कुछ और एक्स्ट्रा पीसेस दिए हैं। देखिए मैंने अपने बेल्कनी के डोर के पीछे इसको लगा दिया है, और लगने के बाद जो है ये कुछ इस तरह का दिखता है। काफी अच्छा ऑप्शन है, बहुत सस्ता है, और कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है ये ऑप्शन, और आपकी जो जगह है वो भी बहुत ज्यादा स्पेस यूटिलाइज नहीं होगी, बहुत कम जगह में बहुत सारा सामान आप रख सकते हैं। और दराज पर जो है ये तकरीबन 400 रुपए का अवेलेबल है प्लस डिलीवरी चार्जेस। अच्छा नेक्स्ट पार्सल देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। अच्छा वैसे कुछ किचन से रिलेटेड भी चीजें मैंने ऑर्डर की थी, और इस पार्सल के अंदर ये मेजरिंग कप्स और स्पून्स का सेट है, और ये भी बहुत यूजफुल चीज है। 184 रुपीज का मिल रहा था दराज पर, डिलीवरी चार्जेस के साथ ये मुझे पड़ा था 290 रुपीज का। अच्छा नेक्स्ट पार्सल देख लेते हैं कि इस पार्सल में क्या है। इसकी शेप से ही अंदाजा हो रहा है मुझे कि ये क्या है। और इस पार्सल के अंदर ये रैक है किचन से ही रिलेटेड, इसके अंदर आप इसको किचन में रख सकते हैं, अपनी स्लैब के ऊपर, काउंटर के ऊपर, इसके ऊपर जार्स रख सकते हैं, मग्स रख सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट। दो मैंने ऑर्डर किए थे, एक दूसरे के ऊपर जो है वो इस तरह से एडजस्ट हो जाते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट, हल्का फुल्का सा है ये, और एक के ऊपर एक आप एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसके ऊपर 3 भी एडजस्ट कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू। और आप चाहें तो अपने रूम की स्लीपर्स वगैरह रखने के लिए भी इसको शू रैक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपने रूम की स्लीपर्स रखने के लिए इसको ऑर्डर किया था, और किचन रैक को मैं एज शू रैक इस्तेमाल करती हूँ, तो मेरे रूम के अंदर ये छोटा सा कॉर्नर जो है वो शू रैक का है, ठीक है ना। अच्छा ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ऑप्शन है। ओके जनाब, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्सल, और नेक्स्ट पार्सल एक काफी बड़ा सा पार्सल है, और इस पार्सल के अंदर इसकी शेप से ही आपको अंदाजा हो रहा है कि इस पार्सल के अंदर क्या है। काफी अच्छी पैकेजिंग में मुझे ये रिसीव हुआ था पार्सल, और इस पार्सल का भी मुझे बहुत इंतजार था। और जी बिल्कुल, ये एक बास्केट है, और इसको भी मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। काफी मल्टीपर्पज ये बास्केट है, काफी चीजें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, चाहे तो इसमें आप अपने बुक्स भी रख सकते हैं, किचन की चीजें रखने के लिए भी अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है, और बच्चों के टॉयज रखने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो मैंने इसको एज टॉय बास्केट यूज करना था, इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया था। काफी बड़ी और स्पेशियस है, और प्लास्टिक मटेरियल इसका बहुत अच्छा है, अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक, और कहीं से डैमेज भी रिसीव नहीं हुई है, बिल्कुल परफेक्ट रिसीव हुई है, तो ये एक परफेक्ट टॉय बास्केट हो सकती है आपके बेबीज के लिए। अच्छा नेक्स्ट पार्सल की मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट पार्सल आपको दिखाती हूँ कि इस पार्सल में क्या है। किचन से ही रिलेटेड है ये भी चीज, इसके जिसकी मुझे जरूरत थी कुकिंग के लिए, और कुकिंग के दौरान आप इसके अंदर जो गरम मसाले हैं वो रखकर अपने सालन में या पुलाव वगैरह बनाते हैं, इसको लटका सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, अपने पतीले के अंदर इसको हैंग कर सकते हैं, और ये भी सस्ता ऑप्शन है, महंगा ऑप्शन नहीं है। जी जनाब, तो ये था मेरा शॉपिंग हॉल। आई होप कि आपको ये तमाम चीजें से मुझे अच्छी लगी, आपको भी अच्छी लगी होंगी, और आपने एंजॉय की होगी आज के वीडियो। और इनमें से किसी भी चीज के हवाले से कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इन तमाम प्रोडक्ट्स के जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, अगर आप इनमें से कोई चीज़ आपको ऑर्डर करनी हो तो वो आप ऑर्डर कर सकें। प्राइसेस के साथ तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स मैंने आपको बता दी। होपफुली आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। एक एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।
करूंगा। और मेरे इंस्टा हैंडल को भी जरूर फॉलो कीजिएगा, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अब मिलूंगी आपसे इजाजत, फिर किसी और अच्छे से वीडियो के साथ आऊंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।